भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने शिवपाल यादव को दो मुहा साफ बताया है। दरअसल ओपी राजभर से शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया, तो इस दौरान उन्होंने शिवपाल यादव को दो मुहा साफ बता दिया। ओपी राजभर ने कहा कि शिवपाल पहले तय कर लें कि उन्हें जाना कहां है। ओपी राजभर ने कहा कि पहले उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें थी और अब वे आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं। बड़ा बयान दिया है ओपी राजभर ने, कहा शिवपाल को लेकर कि ये दो मुहा साफ है। कहा पहले चर्चा थी कि वे भाजपा में शामिल होंगे, वे भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब मुलाकात आजम खान से की है। नेता दो मुहिया साफ हैं। अभी तक तो टीवी चैनलों पर ये चल रहा था कि शिवपाल जी भाजपा के साथ जा रहे हैं। तारीख भी पड़ गई थी 19 तारीख, 1900 बीत गया, 22 आ गई, अब आजम खान जी के यहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो ये तय कर लें कि कहाँ जा रहे हैं, ये तो पहले तय हो जाए। और आजम खान जी एक जो है बड़े नेता हैं और बड़े नेता जेल में हैं, उनसे मिलना एक अलग बात है। आदमी कोई भी मिल सकता है। हाँ, इस समय जो पॉलिटिकल मामला है, उस पॉलिटिकल मामले में वो उनसे मिलने गए हैं, तो उससे कुछ राजनीति का कोई मतलब नहीं निकल सकता है।